उधर कोलकाता रेप और मर्डर मामले में पीड़ित डॉक्टर के परिवार ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज को कटघरे में खड़ा किया। न्यूज 18 इंडिया से बाखास बातचीत में पीड़िता के माता पिता ने अस्पताल पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। सुप्रीम कोर्ट भी पूरे मामले में अस्पताल के लापरवाही बरतने की बात कह चुका है। कोलकाता रेप केस की पीड़ित डॉक्टर के परिवार वालों ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज पर लापरवाही के संगीन आरोप लगाए हैं। न्यूज 18 इंडिया के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में पीड़ित ट्रेनी डॉक्टर के माता पिता ने सीधे सीधे अस्पताल को कटघरे में खड़ा कर दिया है। पीड़ित परिवार वालों ने साफ कहा है कि अगर उनकी बेटी की मौत अस्पताल में ड्यूटी के दौरान हुई है तो जिम्मेदारी अस्पताल की ही है। परिवार के मुताबिक अस्पताल ने ना तो घटना के तुरंत बाद और ना ही अब तक अपनी जिम्मेदारी स्वीकार की है। पीड़ित ट्रेनी डॉक्टर के माता पिता ने सवाल उठाए हैं कि अस्पताल ने परिवार को घटना की जानकारी इतनी देर से क्यों दी। अस्पताल के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ने हत्या की बात छुपाकर बेटी के सुसाइड करने की बात क्यों कही। पीड़ित परिवार के अस्पताल पहुंचने के बाद भी 6-7 घंटे तक उनसे किसी ने बात क्यों नहीं की। अस्पताल में इतनी बड़ी घटना घट जाने के बाद भी कॉलेज के प्रिंसिपल ने परिवार से बात क्यों नहीं की। पीड़ित परिवार के मुताबिक अस्पताल प्रशासन के कामकाज में कुछ गड़बड़ियां पहले से थीं और घटना के बाद अस्पताल प्रशासन की भूमिका ने इस बात को पुख्ता कर दिया है। पहले से तो हमको अस्पताल के जो डिपार्टमेंट जो है जिसका पास मेरा लड़की को भेजा था वो ऑन ड्यूटी में था। एक ऑन ड्यूटी में एक जो लड़का हो या लड़की जिसको काम करता है, जैसे हमारा अंदर 3-4 आदमी काम करता है, उसका जो जिम्मेदारी है वो तो मेरा ही है ना जी। कोई दुर्घटना घट जाए तो मेरा हमको ऊपर जिम्मेदारी पड़ेगा, लेकिन उस लोग अभी तक इसके बारे में आज इतना दिन में कोई हम फोन से भी बात नहीं किया। उधर काम जितना 6-7 घंटा था उस टाइम में भी हमसे बात नहीं किया था। इसलिए तो हम डिपार्टमेंट को पूरा डिपार्टमेंट को ही दायी कर रहा है पहले से। घटना के बाद से आरजीकर अस्पताल लगातार मामले की लीपापोती की कोशिश करता रहा, यहाँ तक कि जिस जगह ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या की बात सामने आई उस कमरे से सबूत मिटाए जाने का भी अंदेशा है। सबसे पहले आरजीकर मेडिकल कॉलेज पहुंची और वहां पर मौकाए वारदात का मुआयना किया, लेकिन जब तक वहां पर कई सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो चुकी थी और बहुत सारे सबूत नष्ट हो चुके थे। यही वजह है कि सीबीआई की टीम करीबन 12 बार से ज्यादा मौकाए वारदात का मुआयना कर चुकी है। इसके अलावा अस्पताल का हर एक कोना खंगाला जा रहा है, 3D मैपिंग तक की जा रही है। इसके अलावा अस्पताल की छत पर भी सीबीआई की टीमें लगातार मुआयना कर रही हैं। सीबीआई को शक है कि मौकाए वारदात से या तो सबूतों को नष्ट किया गया है या सबूतों के साथ छेड़छाड़ हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पूरे मामले में आरजीकर मेडिकल कॉलेज प्रशासन की भूमिका और कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर कई गंभीर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने घटना के तुरंत बाद उनकी दूसरे मेडिकल कॉलेज में नियुक्ति पर भी सवाल खड़े किए हैं। What was the principal doing? Why did he not want? Why was this kind of inaction on the part? First, an attempt to pass this off as a suicide instead of a murder. I'm sorry, Mother, that's not correct. Not recording, not registering an FIR till late in the evening. Third, the body itself is handed over to the parents sometime in the evening for cremation. कोलकाता की घटना के बाद अस्पतालों में डॉक्टरों की सुरक्षा का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया है। कोलकाता रेप और मर्डर मामले में जहां अस्पताल का काम जांच में सहयोग करने का था, वहीं अस्पताल प्रशासन पर लीपापोती के गंभीर आरोप लग रहे हैं। जाहिर है अस्पताल संदेह के दायरे में खड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर नेशनल टास्क फोर्स का गठन भी किया है। ये टास्क फोर्स अस्पतालों में डॉक्टरों की सुरक्षा और सुविधाओं के इंतजामों को परखेगी, साथ ही डॉक्टरों के खिलाफ बढ़ रही हिंसा की घटनाओं को रोकने के लिए भी जरूरी सुझाव देगी।